हाथरस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं हाथरस पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटना कर्म की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई 121 लोगों की मौत को लेकर विपक्षी नेता लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट ने जुलाई से सितंबर तक 4 ड्राई डेज घोषित किए हैं। 17 जुलाई, 15 अगस्त, 26 अगस्त और 26 सितंबर को ड्राई डे के तहत शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर 3 महीने में ड्राई डेज की लिस्ट दिल्ली सरकार जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव जब दे रहे थे, उसके बीच में ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वे चंपई सोरेन की जगह एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन के नेता चुने जा सकते हैं और सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीते अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को सांसद में शपथ लेंगे, यह जानकारी सरबजीत सिंह खालसा ने दी है। अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से 4 दिन या उससे कम समय के लिए पैरोल दी गई थी, जिसके बारे में जिला अध्यक्ष डिब्रूगढ़ को सूचित कर दिया गया था। इससे पहले पंजाब सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में बंद वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह का लिखित अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा था, जिसमें अमृतपाल ने अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग की थी। लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का ट्रांसफर हो गया है। इस घटना के बाद से कुलविंदर को निलंबित कर दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को अब बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। बिहार के सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आखिरकार अपने पगड़ी को उतार दिया है। बता दें कि सम्राट चौधरी का पगड़ी पहनना बीते कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ था। आखिरकार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी रामनगरी में अपनी पगड़ी उतार दी है। उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगा कर अब इस काम को पूरा किया। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्य सहित भाजपा नेताओं ने लोकसभा में भाषण के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने किया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांगा भी मौजूद रहे। केंद्र में बुधवार को महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जीका वायरस के मामले पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को परामर्श जारी कर दिया। देश भर में हालात पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश भी दिया। यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुख जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। दरअसल मंगलवार को हाथरस जनपद के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र के गाँव रतिभानपुर में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में अचानक भीड़ जमा हो गई, जिस कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। जवान 29 नवंबर को जापान में रिलीज होगी और फिल्म के लिए 5 जुलाई के एडवांस बुकिंग भी शुरू होने जा रही है। शाहरुख खान के जवान ने वर्ल्ड वाइड 11,067.3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बारबाडोस से लौटने के बाद T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि 4 जुलाई को 11 बजे मुलाकात करेंगे। तूफान बेरल के कारण टीम इंडिया पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई थी। टीम इंडिया 4 जुलाई को भारत वापस आ रही है।